गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने व्याकरण का एक भाग पढ़ेंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में किस किस चीज़ की चर्चा होगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग वाक्य क्या है ये जानेंगे, वाक्य के अंग के बारे में जानेंगे, कितने अंग होते हैं वाक्य के, और वाक्य के अंग को जो वाक्य के कितने अंग होते हैं उनको हम लोग किसी भी वाक्य से कैसे अलग करेंगे, ठीक है। अच्छा, वाक्य के प्रकार के विषय में भी इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वाक्य किसे कहते हैं डेफिनेशन को जानते हैं, ठीक है। वाक्य की परिभाषा क्या है, शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का क्या अर्थ होता है, सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का अर्थ रखने वाला अर्थात जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग हो, वैसे ही शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वाक्य कहलाता है, ओके। अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि वाक्य आखिर क्या है। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, आकाश भागता रहता है। बच्चों, यहाँ पर आकाश एक शब्द है, भागता एक शब्द है, रहता एक शब्द है और है एक शब्द है, ठीक है। ये सारे शब्द हैं और इन सारे शब्दों को जब हम एक में ले आए, इसका एक समूह बना दिए, एक में ले आना मीन्स समूह तैयार कर देना, तब ये कहलाएगा हमारा क्या, तब ये कहलाएगा हमारा वाक्य। क्या कहलाएगा ये, तब ये कहलाएगा वाक्य। अब हम लोग को ये जानना है कि मान लीजिए कि शब्द हैं, ठीक है, पर वो सार्थक यदि नहीं है, मीन्स एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैं देती हूँ आप लोग को, इसी वाक्य को हम पलट कर लिखते हैं। जैसे हम मैंने लिखा रहता भागता है आकाश, ठीक है, मैंने एक वाक्य की रचना की, एक बहुत सारे शब्दों को एक साथ लाया। पहला शब्द है रहता भागता है आकाश, पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द और चौथा शब्द। बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये सारे शब्द हैं और ये समूह में भी है, पर इसे हम वाक्य नहीं कह सकते, इसे हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये शब्द तो है, समूह में भी है, पर इसमें सार्थकता नहीं है, मीन्स इन शब्दों के समूह का कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, इस वजह से इसे हम वाक्य नहीं कह सकते, ठीक है। तो वाक्य किसे कहेंगे, तो वाक्य कहेंगे किसे, तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, जिसका कोई अर्थ हो, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वह वाक्य कहलाता है। जैसे आकाश भागता है, ये शब्द भी है, समूह में भी है और सार्थक भी है, इसलिए इसको हम वाक्य कहेंगे, ठीक है। श्याम पढ़ाई करता है, ये भी सारे शब्द है, समूह में है और अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये वाक्य कहलाएंगे, हमारे वाक्य कहलाएंगे, ओके। आई होप आप लोगों को वाक्य का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग
चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। हमारा दूसरा पार्ट क्या है, हम लोग इस अभी क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे वाक्य के अंग। ओके, वाक्य के कितने अंग होते हैं आइए जानते हैं। देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसे। वाक्य के अंग, बच्चों वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय। ओके, अब हम लोग जानते हैं आखिर ये उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य मतलब क्या होता है। हम लोग, आप लोग तो अभी तक उद्देश्य का मतलब एम पढ़े हैं, है ना, किसी भी पाठ का उद्देश्य है ना, इस तरह से पढ़े हैं, बट यहाँ पर कुछ दूसरा है। उद्देश्य मीन्स क्या होता है, व्याकरण में उद्देश्य का मतलब क्या होता है जानते हैं। क्या है भाई उद्देश्य, देखते हैं। उद्देश्य जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। मीन्स वाक्य में जिसके संबंध में जो कुछ कहा जाता है, जिसके संबंध में जो कहा जाता है वो होता है उद्देश्य। अर्थात हम लोग कर्ता को भी उद्देश्य कह सकते हैं, किंतु यदि कर्ता कारक के साथ उसका कोई विशेषण हो जिसे कर्ता का विस्तार कहते हैं। अच्छा, अब कर्ता और कर्ता का विस्तार, ठीक है, कर्ता तो ठीक है, कर्ता मीन्स काम करने वाला, जो काम करता है वो कर्ता कहलाता है, उसे हम लोग उद्देश्य भी कह सकते हैं। पर कभी कभी सेंटेंस में कर्ता का विस्तार भी होता है। एग्जाम्पल के साथ जब हम समझेंगे तब आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। एक वाक्य क्या है, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। भाई यहाँ पर किसके बारे में बोला जा रहा है, तो प्रशांत के बारे में बोला जा रहा है, है ना। किसके विषय में बोला जा रहा है बच्चों, प्रशांत के बारे में बोला जा रहा है। वो मेरा भाई प्रशांत, ये पूरा है, ठीक है। तो ये बच्चों ये हो जाएगा उद्देश्य, ठीक है, मेरा भाई प्रशांत यदि हम बोले तो ये उद्देश्य कहलाएंगे। बट यहाँ पर मेन उद्देश्य जो है वो होगा प्रशांत, ठीक है। मेनली उद्देश्य जिसको हम बोलेंगे वो क्या होगा, वो होगा सिर्फ प्रशांत। और ये उद्देश्य का, मेरा भाई जो है ये उद्देश्य का विस्तार होगा, ठीक है। कर्ता के साथ जब कोई भी शब्द का प्रयोग हो रहा है, कोई भी ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो कर्ता को छोड़कर बाकी आए शब्द जो है वो हो जाते हैं उद्देश्य के विस्तार। ओके, तो यहाँ पर प्रशांत होगा उद्देश्य और मेरा भाई हो जाएगा उद्देश्य का विस्तार। आइए, यहाँ भी वही लिखा है, इस वाक्य में मेरा भाई प्रशांत ये उद्देश्य है, जिसमें प्रशांत कर्ता है, जिसमें प्रशांत क्या है, कर्ता है। तो मेरा भाई प्रशांत कर्ता का विशेषण, अर्थात इसे कर्ता का विस्तार कहेंगे। मेरा भाई प्रशांत यदि पूरा बोले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता का विस्तार। तो अभी आप लोगों ने क्या समझा कि किसी भी वाक्य से कर्ता को कैसे अलग करेंगे और कर्ता का विस्तार क्या होता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि मेरा भाई प्रशांत ये पूरा ही उद्देश्य होगा। ओके, बट यहाँ पर जो प्रशांत है ये हो जाएगा आपका कर्ता, और मेरा भाई प्रशांत के साथ मेरा भाई जो ऐड हुआ है ये हो जाएगा कर्ता का विस्तार, ठीक है। अब हम लोग अपने दूसरे पार्ट पे चलते हैं जो है विधेय। आइए जानते हैं ये विधेय होता क्या है। तो उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है, कर्ता के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो कहलाता है विधेय, ठीक है। कर्ता के बारे में जो कुछ बताया जाए वो क्या कहलाता है, विधेय। कर्ता होता है उद्देश्य और कर्ता के बारे में जो बताया जाए वो होता है विधेय। अतः विधेय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार,
पूरक तथा पूरक का विस्तार आदि आते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कर्ता का विस्तार समझा, उसी तरह यहाँ पर क्रिया का विस्तार भी समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, क्या है भाई इसका एग्जाम्पल? अच्छा, जैसे अभी जो मैंने आप लोग को उदाहरण दिया था कि मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, ठीक है, तो धार्मिक पुस्तकें जो है अधिक पढ़ता है, धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये जो है पूरा हो जाएगा आपका विधेय। ओके, पर धार्मिक पुस्तक क्या पढ़ता है? धार्मिक पुस्तक, तो सिर्फ धार्मिक पुस्तक हो जाएगा आपका क्या? कर्ता, पर अधिक पढ़ता है, ये हो जाएगा कर्ता का विस्तार। ठीक है, विधेय है जिसमें पढ़ता है शब्द क्रिया है, अधिक शब्द क्रिया का विस्तार है। पढ़ता क्या है? क्रिया है, और अधिक शब्द क्या है? क्रिया का विस्तार है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया का विस्तार कहते हैं। यहाँ पे ये भी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को दे दिया कि क्रिया का विस्तार किसे कहते हैं, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, जो शब्द क्रिया, क्रिया अर्थात काम करना, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है वो कहलाता है क्या? क्रिया। तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ता है ये क्या हो जाएगा हमारा? क्रिया। तो ये कैसे पढ़ता है? अधिक पढ़ता है, तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो यही होता है क्रिया का विस्तार। पुस्तक शब्द यहाँ पर कर्म है, पुस्तकें जो है ये क्या है? कर्म है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक जो है वो कर्म है। तो धार्मिक शब्द पुस्तकों की विशेषता बतलाने के कारण पुस्तकें कर्म का विस्तार होगा। अब देखो, पुस्तक तो है कर्म, अब पुस्तक के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि पुस्तक कैसी है? धार्मिक है, तो धार्मिक जो है वो हो जाएगा कर्म का विस्तार। ओके, उसे कहेंगे कर्म का विस्तार होना। इनके अतिरिक्त यदि कोई शब्द, इनके अतिरिक्त यदि कोई शब्द, इनके अतिरिक्त यदि कोई शब्द प्रयुक्त होता है या जब वाक्य में क्रिया अपूर्ण होती है तो उसे पूरक कहते हैं, तथा पूरक की विशेषता बतलाने वाले शब्द को पूरक का विस्तार कहते हैं। तो मोस्टली आप लोग को समझना है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो शॉर्ट में यदि मैं बताऊं तो उद्देश्य वाक्य में जो काम करने वाला होता है, मीन्स कर्ता, वो कहलाता है उद्देश्य, और कर्ता के साथ कुछ ऐड होता है पहले, ठीक है, तो वो हो जाएगा कर्ता का विस्तार। ठीक है, विधेय क्या है? तो कर्ता जो काम कर रहा है, ठीक है, कर्ता के बारे में जो बताया जा रहा है वो हो जाएगा क्या? विधेय। ओके, तो आप लोगों को एग्जाम में ऐसे ही दिया जाएगा, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इससे आप उद्देश्य और विधेय को अलग कीजिए। जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस दे दिया गया, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, तो बच्चों किसके, कौन धार्मिक पुस्तक कौन पढ़ता है? तो मेरा भाई प्रशांत, ठीक है ना, मेरा भाई प्रशांत, ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य। और मेरा भाई प्रशांत क्या पढ़ता है जी? तो वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा विधेय, धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है, ये हो जाएगा हमारा क्या? विधेय। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। और वैसे भी ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स आप लोग क्लास 8 में भी पढ़कर आए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्या है अब जो है हम लोग जानेंगे उपवाक्य। बच्चों उपवाक्य जानना बहुत जरूरी है कि ये उपवाक्य क्या है, ठीक है, उपवाक्य जानेंगे तो आगे की जो वाक्य का जो प्रकार है उसको समझने में आसानी होगी। तो समझते हैं उपवाक्य क्या है। देखिए उपवाक्य की परिभाषा क्या है, ऐसा पद समूह, ऐसा पद समूह मतलब शब्दों का समूह जिसका अपना अर्थ हो, जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिससे, जिसमें उद्देश्य और विधेय भी हो, उपवाक्य कहलाते हैं। मीन्स एक पार्टिकुलर वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है, जिसमें उद्देश्य भी हो, विधेय भी हो, अपना एक अर्थ भी हो और पदों का समूह भी हो,
तो सारी क्वालिटी किस में होती है? वाक्य में होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किसी वाक्य को उपवाक्य कहते हैं, पर किस वाक्य को उपवाक्य कहेंगे? यदि वाक्य को ही उपवाक्य कहना है तो उसे वाक्य ही क्यों नहीं कहें? ये भी दिमाग में चलता होगा आप लोग का। तो मैं बताती हूँ कि क्यों उसका नाम उपवाक्य दिया गया। देखिए, सरल शब्दों में यदि इसका डेफिनेशन समझे तो जिन क्रिया युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है, मतलब जिन क्रिया युक्त पदों से कुछ भाव कुछ अर्थ निकलता है, उन्हें हम उपवाक्य कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों वाक्य को उपवाक्य भी कहते हैं हम लोग, क्यों? देखिए, उपवाक्य किसी वाक्य का अंश होता है जिसमें कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। इसमें कर्ता भी होना चाहिए और क्रिया भी होना चाहिए। जैसे मंजू स्कूल नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था। अब बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ ध्यान में आप लोग को देना होगा कि क्यों हम लोग वाक्य, जब हम लोगों ने अभी कहा कि सारा गुण वाक्य की तरह ही उपवाक्य के भी काफ़ी डेफिनेशन है, तो आखिर इसको उपवाक्य क्यों कहते हैं? तो बच्चों, जब किसी सेंटेंस में दो वाक्य आए, जैसे यहाँ पर देखिए, मंजू स्कूल नहीं गई, ये पहला वाक्य है जिसको मुख्य वाक्य कहते हैं। क्योंकि पानी बरस रहा था, ये क्या है? ये है दूसरा हमारा वाक्य। ये पहला वाक्य और ये दूसरा, ये जो दूसरा वाला है इसी को कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम उपवाक्य, ठीक ना? आप लोग देख रहे हैं कि किसी किस तरह एक ही लाइन में दो वाक्य आए हैं। पहला है मंजू स्कूल नहीं गई, ये एक वाक्य है। क्योंकि पानी बरस रहा था, ये दूसरा वाक्य है। तो ये हमारा जो अंतिम वाला है यही कहलाता है उपवाक्य, ठीक ना? आइए आगे क्या है देखते हैं। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। यहाँ वही घड़ी है, यह वही घड़ी है जिसे मैंने कलकत्ते में खरीदी थी। अब देखिए, ऊपर के वाक्यों में क्योंकि पानी बरस रहा था, यहाँ पर तीन एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया है। मंजू स्कूल नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था, पहला। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, दूसरा एग्जाम्पल। यह वही घड़ी है जिसे मैंने कलकत्ते से खरीदी थी। अब देखिए, यहाँ पर तीन है। तो पहले, जैसे मैंने बताया था कि पहला जो है वो मुख्य वाक्य होता है, और उसके बाद किसी चीज़ से ऐड होकर जब दूसरा वाक्य बनता है तो वो कहलाता है उपवाक्य। उसी तरह यहाँ पर देखिए, मैं नहीं जानता, ये एक वाक्य हो गया, इसको कहते हैं मुख्य वाक्य। कि वह कहाँ रहता है, कि से जुड़ा गया है वह कहाँ रहता है इस वाक्य को, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा क्या? उपवाक्य, ठीक ना? यह वही घड़ी है, यह वही घड़ी है, एक वाक्य हुआ, जिसे से जुड़ा गया है दूसरे वाक्य को। मैंने कलकत्ते में खरीदी थी, ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा उपवाक्य। अब आप लोग आसानी से परीक्षा में यदि कोई भी ऐसे ही सेंटेंस दिए जाएं और आप लोगों को बोला जाए इससे मुख्य वाक्य और उपवाक्य को अलग कीजिए, तो आराम से और बहुत सावधानी से सोच कर फिर आंसर दीजिएगा। आप लोगों ने अभी तक जितने भी उपवाक्य देखे हैं सभी को देखा है कि ये जो है बाद में आते हैं, तो ऐसा मत करना सभी कि बाद वाले जो शब्द हैं, बाद वाले जो वाक्य है उसको आंख बंद करके उपवाक्य मार देना है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे उपवाक्य प्रारंभ में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। याद रखना है कि किसी चीज़ से कैसे आप पहचानेंगे, तो जब एक वाक्य किसी दूसरे चीज़, जैसे यहाँ पर देखो, क्योंकि से दूसरा वाक्य जोड़ा गया, की से दूसरे वाक्य को जोड़ा गया, जिसे से दूसरे वाक्य को जोड़ा गया, जोड़ने के बाद वाला जो वाक्य होता है वही होता है उपवाक्य, उसी को कहते हैं उपवाक्य, ठीक है? अब थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ हम लोग जानते हैं। देखिए, उपवाक्य में प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य, अभी मैं समझाऊंगी आप लोगों को कि किसी भी सेंटेंस से प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को कैसे अलग करेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ सेंटेंस है। सिपाही ने
उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। देखिए, ये सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। तो जिसने शब्द से इस दूसरे वाक्य को जोड़ा गया है तो ये हो जाएगा आश्रित। याद रखना है, किसी शब्द से जब दूसरे वाक्य को जोड़ा जाता है तो उसके बाद वाला जो वो वाक्य जो होता है, जोड़ने के बाद वाला जो वाक्य आता है वही उपवाक्य कहलाता है। यहाँ भी देखिए, अशोक मेहता मुख्य अतिथि थे। जो शब्द से जोड़ा गया है इसको प्रसिद्ध साहित्यकार थे, तो ये प्रसिद्ध साहित्यकार ये हो जाएगा आपका क्या, आश्रित उपवाक्य। आप लोग को एग्जाम में दिया जाएगा, सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को अलग कीजिए, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को अलग कीजिए। तो मुख्य उपवाक्य कौन होगा, उसका मेन पार्ट, और जिस चीज़ से जोड़कर दूसरा वाक्य तैयार हो रहा है वो होगा आश्रित उपवाक्य, ठीक ना। आइए अब हम लोग समझते हैं कि ये जो आश्रित उपवाक्य है वो आखिर कहाँ होता है। अब तक जहाँ तक मैंने तो आप लोगों को बताया, सभी में आप लोग देखें कि अंत में होता है, ठीक है। पर ये ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आश्रित उपवाक्य अंत में ही हो, वो आरंभ में भी रह सकते हैं, मध्य में भी रह सकते हैं और अंत में भी रह सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए, जिसने बालक की जान बचाई वह युवती क्या है, महोयल कॉलोनी में रहती है, ठीक है। जिसने बालक की जान बचाई, यहाँ पर आप देखते हैं जिसने, ये जो शब्द है जिसने, ठीक है, इस ये क्या है, जोड़ने का काम करता है ये शब्द। तो जिसने बालक की जान बचाई वह युवती महोयल कॉलोनी में रहती है। तो ये वाले जो पूरे शब्द हैं, वाक्य हैं, यही होंगे आश्रित वाक्य। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह आश्रित वाक्य आरंभ में आया है। वह युवती जिसने बालक की जान बचाई महोयल कॉलोनी में रहती है। तो वह युवती जिसने बालक की जान बचाई, जिसने बालक की जान बचाई, जिसने जैसे स्टार्ट हुआ है ये, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये सेंटेंस के ये मध्य में है, आश्रित वाक्य है पर ये मध्य में आया है। यह युवती महोयल कॉलोनी में रहती है जिसने बालक की जान बचाई, यहाँ पर देखिए ये अंत में है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह आश्रित उपवाक्य सिर्फ अंत में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये आरंभ में भी हो सकता है, ये मध्य में भी हो सकता है और ये अंत में भी हो सकता है। हम लोग को ध्यान देना है कि हमारा जो वाक्य है वो किस चीज़ से जुड़ रहा है। यहाँ पर देखिएगा, तीनों वाक्य में जिसने शब्द से सारे वाक्य जुड़ रहे हैं, तो हमारा जिसने के बाद जो भी वाक्य आ रहे हैं वो हो जाएंगे उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, ओके। तो यहाँ तक आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, उपवाक्य क्या है, और किसी भी वाक्य से हम मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को कैसे अलग करेंगे। बच्चों, इसे और अच्छी तरीके से जानने के लिए आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने बुक के एग्जाम्पल को, उदाहरण को पढ़िए, ओके। तो आज का क्लास यहीं पे ऑफ करती हूँ, नेक्स्ट आप लोग को मैं बताऊँगी वाक्य के प्रकार, ठीक है। थैंक यू बच्चों।